तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे अमित शाह। दो मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला, जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर की बातचीत, शनिवार से होगी यात्रा की शुरुआत। मुंबई के लालबाग इलाके में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आगरा में तालाब में पलटी बस, ग्रामीणों ने बच्चों को बस से निकाला बाहर, तालाब का पानी सड़क पर आने से हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से जम्मू कश्मीर की तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। साथ ही श्रीनगर शारजाह की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख सकते हैं। साथ ही शाह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। तो तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा वहां अधिकारियों के साथ एक खास बैठक भी हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, तीन दिवसीय दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार आतंकी गतिविधि जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। यहां पर दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला के साथ साथ तमाम अधिकारियों से बातचीत भी होगी, एक खास बैठक भी यहां पर रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। बीते दिनों जिस तरह से टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही थी, इसको लेकर लगातार गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक की, मीटिंग की, हाई लेवल ये चर्चा थी, जिसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ है और बीते 11 दिनों में करीब 17 आतंकी मार गिराए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 23 अक्टूबर को सुल्तानपुर जाएंगे, जहां वो राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। बता दें कि आगामी यूपी चुनाव को लेकर हर पार्टी यूपी का रण जीतने की पुरजोर कोशिश में है और इसी के चलते कल योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर जाएंगे। तो सीएम योगी का 23 अक्टूबर को सुल्तानपुर का दौरा, एक जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियों की बात करें तो सुल्तानपुर में सारी सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरी सहयोगी रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुल्तानपुर दौरे पर रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। काजोल, कल का योगी का दौरा है और सुल्तानपुर में तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं, क्योंकि बस्ती में एक सुरक्षा में इनकी चूक जरूर लगी थी और अब वो दोबारा रिपीट ना हो, इसके वजह से प्रशासन जो है वो काफी सख्त हो चुका है। और खासतौर से अभी से ही अधिकारी जितने भी हैं उन्होंने बैठक करी है और उस बैठक में उन्होंने ये पूरे जहां पर इनका प्रोग्राम होगा उसका निरीक्षण कर रखा है और पूरी तरीके से रात से लेकर सुबह तक में जब तक इनकी प्रोग्राम डीएम का नहीं हो जाता है, पूरी बागडोर एसपी और डीएम अपने हाथ से ले रखे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब योगेश का जो सियासी हिसाब है, अब सुल्तानपुर के यानी कांग्रेसी गढ़ है वहां पे वो अब जाने वाले हैं और वहां पे उनकी एक जनसभा भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ वहां की जनता के लिए कुछ ना कुछ उपहार या योजना के लिए वो जरूर तैयारी करके जाएंगे। बिल्कुल रूबी, क्या कार्यक्रम वहाँ योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? जनसभा को तो संबोधित ही करेंगे, क्या सुल्तानपुर को कोई खास सौगात भी दे सकते हैं? देखिए, अभी तक जो सूचना है उसमें यही बताया जा रहा है कि इनके जो कुछ पुराने योजनाएं रही थी खासतौर से सुल्तानपुर और अमेठी को लेकर, उसका वो शिलान्यास कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ के कुछ बीजेपी जो कार्यकर्ता है उन लोगों के साथ उनकी एक बैठक होगी और इसके साथ यहाँ के सुल्तानपुर के जितने भी आसपास के गांव के जो लोग हैं उन लोगों के साथ भी उनकी एक बैठक हो सकती है। तो अब कल जो योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में भी जरूर हलचल दिख रही है, क्योंकि कांग्रेसी गढ़ है और अब ऐसे में सीएम योगी का दौरा एक सियासी जरूर माना जा रहा है। बिल्कुल रूबी, अगर इस दौरे की बात की जाए और सुल्तानपुर की बात की जाए तो सुल्तानपुर की जो जनता है यहाँ की जमीनी हकीकत क्या कहती है? का जो जमीनी हकीकत अगर हम बात करते हैं तो कई बार जब हमारे वहाँ पे खुद टीम पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है
सुल्तानपुर की जनता हो या ये कह सकते हैं अमेठी की जो जनता है वो विकास चाहती है, और विकास उतना हो नहीं पाया है जितना कहा जाता है। कोई भी नेता वहाँ पहुँचता है तो उसके जो वादे होते हैं इसी बात को ये लेकर होते हैं, जो गांव है उसको संपूर्ण गांव बनाएंगे, विकसित गांव बनाएंगे, हालांकि बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब बीजेपी की जब से सरकार बनी थी तो बीजेपी के जितने भी नेता थे उनका भी यही वहाँ का मुद्दा था कि विकास होगा, विकसित होगा। सुल्तानपुर और अमेठी आसपास ही लगते हैं और इसको देखते हुए काफी विकसित हुए भी है, लेकिन अब चुनावी दावेद फिर शुरू हो चुका है, विकास हुए चुनावी मिल भी चुकी है, कल भी ये माना जा रहा है, कल भी फिर कुछ सौगात देंगे, फिर कोई सौगात की वादा करके जरूर आएंगे बीजेपी। बिल्कुल रूबी, देखिए इससे पहले योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे थे और यहाँ उनकी सुरक्षा में किस तरह से चूक देखी गई थी ये हर किसी को पता है, तो ऐसे में सुल्तानपुर में पुलिस प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है? पुलिस प्रशासन अभी से ही अलर्ट हो चुका है क्योंकि अभी आसपास के जितने भी लोकल पुलिस है उनको अलर्ट कर दिया गया है, खासतौर से जो भी बॉर्डर है उनको मना कर दिया गया कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए, और इसके साथ ही साथ अब जो जहां तक का प्रोग्राम किया जाएगा उस प्रोग्राम से तकरीबन घेरे तैयार किए गए हैं, और घेरे के अंतर्गत काफी लोग नहीं आ सकते, खासतौर से मीडिया बैरिकेडिंग भी अलग से तैयार किया जाएगा जिसकी वजह से मीडिया भी ज्यादा दूर भी रहकर उनकी कवर कर सकती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आम जनता होगी उसके लिए भी काफी दूर से व्यवस्था की गई है। तो अब जो तैयारी है वो एसपी और डीएम मिलकर बैठक करे, जिस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी ऐसे चूक ना हो सके, जो बस्ती वाले में चूक हुई है वो यहाँ पे सुल्तानपुर में रिपीट ना हो सके। ठीक है रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अक्टूबर को सुल्तानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। तो सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो यहां पर परियोजनाएं बची हुई थी उनका शिलान्यास लोकार्पण भी हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां शनिवार से शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बातचीत की गई। बता दें कि शनिवार को वाराणसी से ये प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की जाएगी, जिसका वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, सिधौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली में पहले चरण का समापन होगा। वहीं दूसरे चरण में बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी में यात्रा निकाली जाएगी, जबकि जो तीसरा चरण है वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, मथुरा में होगा, यानी पूरी तरीके से बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिम को साधने की कोशिश यहाँ की जा रही है। तो प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बातचीत की गई है, एक प्रेस वार्ता की गई, प्रेस वार्ता के दौरान कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहे। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है, बाराबंकी से इसकी शुरुआत होगी, तमाम जिलों से होकर ये प्रतिज्ञा यात्रा गुजरेगी। ऐसे में प्रियंका गांधी कल इसकी शुरुआत करने जा रही हैं, और जिस तरह से पिछले एक साल से हर बड़े मुद्दे पर वो जमीनी स्तर पर पहुंच रही है और सीधे सीधे सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली जाएंगी। एक पश्चिम से सलमान खुर्शीद साहब और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के नेतृत्व में वो यात्रा निकल रही है, पूर्व में प्रमोद तिवारी जी और नदीम जावेद साहब उनके नेतृत्व में निकल रही है, और जो बाराबंकी से बुंदेलखंड जो जाएगी उस यात्रा में मैं हूँ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और प्रदीप आदित्य जैन वो निकलेंगे। उसके साथ साथ अन्य जो सदस्य भी हैं तो एक यात्रा में लगभग 20-25 के आसपास ये सीनियर लीडर्स हैं जो उस यात्रा में शामिल हैं। उसके अलावा एक प्रतिज्ञा जो 40% महिलाओं की भागीदारी टिकट में रहेगी और स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के वितरण के बारे में एक ये बिंदु है, इसकी घोषणा हो चुकी है। 6 अन्य प्रतिज्ञाएं उसकी घोषणा भी की जाएगी, वो उसके लिए कल बाराबंकी का जो जनसभा है उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लगभग कितने जिलों से होकर ये यात्रा निकलेगी? इसमें करीब 35 जिले हैं उनके वो कवर होंगे और बाकी विधानसभाएं हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है कब से इसकी शुरुआत होगी, किस समय से होगी और कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इस प्रतिज्ञा यात्रा में? देखिए,
देखिए सबसे पहले आपको काजू बता दूं कि कांग्रेस ने अभी हाल ही में 40% महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक स्कीम लागू की, सबसे ज्यादा महिलाओं को वो सीट देगी जी। तो कल सबसे पहले जो पूनम पंडित हैं समाजवादी पार्टी की, वो भी आ गई हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस का एक नारा है महिला हूँ ना तो सकती हूँ। इसी के साथ साथ आज पीएल पुनिया जी और नरसिम्हो जी सुप्रीम जी की, ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, ये एक प्रतिज्ञा यात्रा लेकर के एक शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बाराबंकी से होगी, क्योंकि बाराबंकी से सांसद भी इससे पहले रह चुके हैं पीएल पुनिया जी, और छत्तीसगढ़ भी इससे पहले प्रभारी भी रह चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस प्रतिज्ञा रैली के जरिए विपक्ष को साधने की कोशिश करेगी, यानी विपक्ष पर निशाना लगाएगी और अपनी तरफ से ठीक है दानिश, ये तो हो गई कि यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की, लेकिन इस प्रतिज्ञा यात्रा से हम क्या समझ सकते हैं, आम जनता इस प्रतिज्ञा यात्रा को क्यों देखे? बिल्कुल सही बात है, देखिए बता दो आपको, कांग्रेस चूंकि इस बार आप देख सकते हैं कांग्रेस ने कई बार कोशिश की लेकिन कांग्रेस लगातार नहीं बढ़ पाया था। जिस तरीके से कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर के योजना लागू की, यानी कि जो महिलाओं को लेकर के गंभीरता दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो इस प्रतिज्ञा यात्रा में जो बाराबंकी शुरुआत करेंगे, तो इससे ये लग रहा है कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहा है ना। तो इस जो यात्रा को लेकर के प्रतिज्ञा का मतलब ये है कि जो दृढ़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर के, कि लोग रोजगार के जितने मुद्दे हैं बीजेपी में रोजगार के मुद्दे हैं जो नहीं उठाए गए वो कांग्रेस उठाएगी, और उसका कहीं ना कहीं पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने जादू दिखाया था, अब उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा के तहत आप दिखाएंगे वो कि कांग्रेस इसमें क्या कर सकते हैं युवाओं को लेकर के, खास करके महिलाओं को लेकर। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर बात की गई, क्या सिर्फ प्रतिज्ञा यात्रा पर बात की गई है? बिल्कुल प्रतिज्ञा यात्रा पर बात की गई है, क्योंकि पीएल पुनिया पहले तो रसिम उद्दीन सिद्दीकी जी को देख रहे थे, लेकिन आप पीएल पुनिया को बार बार किया गया है, प्रमोद तिवारी भी है और प्रदेश कांग्रेस लल्लू भी, इनको भी साथ कहने की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पीएल पुनिया को इसलिए इसको जिम्मेदारी दी गई, पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ में जो जादू दिखा चुके हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं, इसकी अलग उनके अंदर है, इसलिए कांग्रेस ने पीएल पुनिया को प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए भरोसा जताया है। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि पुरजोर कोशिश यहाँ कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है। दानिश शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बातचीत की गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की है, साथ ही साथ इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है और पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश होगी कि कांग्रेस फिर से वापस लौट रही है, हाशिए से उठने की कोशिश कर रही है। पूनम पंडित के कांग्रेस में सदस्यता लेने के बाद यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान सामने आया है। अजय लल्लू ने कहा कि पूनम पंडित का कांग्रेस में स्वागत है और वो लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष कर रही हैं। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पूनम पंडित पार्टी की नीतियों को मजबूत करेंगी। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा कांग्रेस का हमें बीते मंगलवार सुनने के लिए मिला। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने यह कहा कि 40% आरक्षण जो है वो टिकट पर वो देंगी महिलाओं को। तो ऐसे में पूनम पंडित अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अजय कुमार लल्लू ने उनका स्वागत किया, साथ ही साथ कहा कि जो पार्टी की नीतियां हैं उनको मजबूती से पूनम पंडित आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। मुंबई में लालबाग इलाके की 60 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि ये 17 मंजिल से 25 मंजिल तक फैल गई। खबरों की माने तो करी रोड इलाके में स्थित ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद बताई जा रही हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक शख्स जो बचने की कोशिश कर रहा था उसकी जान चली गई है। कुछ मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी है। आग लगने के पीछे के कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन देखकर दहशत जरूर हो रही है। भीषण आग, 60 मंजिला इमारत, उसके बाद एक शख्स ने बचने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया,
उसने छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। करीब 25 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फेस 4 की आग यहां पर लगी हुई है, जिसे बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में सहारनपुर के निवासी सगीर अहमद की आतंकवादियों की हत्या के विरोध में और उसके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, नगर विधायक संजय गर्ग और पार्षद मंसूर बदर ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं। इस परिवार को और ऐसे हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख की तुरंत मदद की जाए। तो सहारनपुर की तस्वीरें, बीएसपी सांसद ने मुआवजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि सहारनपुर के निवासी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, टारगेट किलिंग बढ़ रही है, उसमें कई उत्तर प्रदेश के और कई बिहार के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे थे, जो वहां जाकर काम कर रहे थे, जिनकी हत्या की गई। उसमें से एक सहारनपुर का भी शख्स था, जिसके बाद बीएसपी सांसद पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं और मुआवजा दिलाने की मांग की है कि जल्द ही 25 लाख रुपये मुआवजा पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। देखिए, आज लगभग एक हफ्ता होने को आ रहा है और इस परिवार की आर्थिक सहायता के लिए अभी तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार और ना ही LG साहब जम्मू कश्मीर के, अभी तक कोई हमारे पास इस तरह की सूचना नहीं आई, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। सगीर साहब ने एक जो उनका मकान था उस पर लिंटर डलवाया, अभी उस हाल में ही 6 माह पहले उनकी पत्नी कोरोना से गुजर गई, 3 बेटियों की उन्होंने शादियाँ की तो उसमें उन पर काफ़ी कर्ज था। एक बच्ची उनकी शादी से रह रही है, बेटा उनका एक है वो भी बाड़मेर में काम करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत ख़राब है। हमारी ADM प्रशासन डॉक्टर अर्चना जी और SDM सदर साहब व्यक्तिगत रूप से उस परिवार की आर्थिक दशा को देख चुके थे, DM साहब से हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। आज सांसद फजलुर रहमान साहब, हमारे संजय गर्ग साहब विधायक जी और तमाम दीगर लोग, पॉलिटिकल लोगों ने भी यही मांग की है कि इस परिवार को, तमाम पार्षद गणों ने भी यही मांग की है कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। आगरा में दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ एक पीड़ित महिला ने समाधि ले ली है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला ने अपने खेतों को बचाने के लिए खेत में ही समाधि ले ली। पीड़िता का कहना है कि वो दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने तक न जल ग्रहण करेगी और न ही अन्न ग्रहण करेगी। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके खेत पर लेखपाल और कानूनगों ने मिलकर जबरन भूमाफियाओं का कब्जा कराया है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं। महिला ने अपने ही खेतों में भूसमाधि ले ली है। भूमाफियाओं के खिलाफ महिला ने समाधि ली। महिला का कहना है कि वो इसकी शिकायत कई बार करती रही, लेकिन किसी तरफ कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसका आरोप पुलिस के अधिकारियों पर भी लग रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही भूमाफियाओं ने, दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कितनी मार्मिक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला ने भू समाधि ले ली है और इसी दौरान वो बयान देती हुई नजर आई है। उसका कहना है कि इससे पहले भी कई बार उसके खेत पर, उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसके बाद उसने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज़ होकर उसने भू समाधि ले ली है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उसकी ज़मीन वापस नहीं होती, तब तक वो ना तो जल ग्रहण करेगी ना ही अन्न ग्रहण करेगी। उसने कुछ पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि कुछ अधिकारी और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से ही भूमाफियाओं ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं के खेतों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिससे महिला आहत होकर समाधि लेने के लिए मजबूर नजर आई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, महिला ने भू समाधि ली है, दबंगों पर आरोप लग रहा है, साथ ही साथ कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लग रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल काजल, ये पूरा का पूरा थाना सिकंदर का है। यहाँ पे भू माफियाओं से परेशान होकर कई बार महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटे, जब उसकी प्रोफाइल का नाम है
और इसमें मजबूरन ये पूरा कदम उठाया है। बहरहाल खबर वीडियो वायरल होने के बाद 50वीं कमला इस महिला के पास पहुंचता है और उसको अभी आश्वासन दिया गया है कि आपकी सारी चीजें ठीक कर दी जाएगी। बिल्कुल अमित, तो क्या महिला ने भू समाधि से वो हटी है या अभी भी भू समाधि में ही है? नहीं नहीं, अभी हट चुकी है। पूरा 50वीं कमला सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आ गया और तुरंत जाकर नहीं, जब महिला ने पहले शिकायत की थी तो आखिर ये कैसा न्याय है और कैसा कानून है जहां पर शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती? यानी कि अपनी बात अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह का हमें कारनामा करना पड़ेगा तब जाकर प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी जो है इस समय पूरी तरह से मौज में है। लापरवाह रवैया हमेशा अधिकारी का आगरा में देखने को मिल रहा है। आप अगर कोई भी फरमाइश या कोई भी अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारियों का रवैया बहुत ज्यादा निराशाजनक और खराब है। ठीक है अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आगरा की तस्वीरें, महिला के खेतों पर माफियाओं ने कब्जा किया। हालांकि जैसे ही महिला ने समाधि ली तो वैसे ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। आगरा के पिनाहट के गांव नया बांस में एक तालाब में बस पलटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तालाब का पानी सड़क तक आने की वजह से बस तालाब में जा घुसी। वहीं इस हादसे के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों को बस से बाहर निकाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बरसात के कारण कई नदी नाले उफान पर थे और इसी तर्ज पर ये तालाब भी उफान पर आ गया और सड़कों तक तालाब का पानी आ गया, जिसकी वजह से जो बस है वो नियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से सभी मासूम बच्चों को बसों से बाहर निकाला। तो आगरा की तस्वीरें जहां पर तालाब में बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया, हालांकि सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तालाब में बस पलटने से भीषण हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि तालाब का जो पानी है वो फान मार रहा था और इसी वजह से वह सड़कों पर आ गया, जिसके चलते ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया है कि कहां सड़क है और कहां तालाब है, जिसकी वजह से हादसा हो गया। कई बच्चे इस बस में सवार थे, ऐसे में बस पलट गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की सूझबूझ से बच्चों को बाहर निकाला। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बस में? क्या सिर्फ मासूम बच्चे ही सवार थे? ये बेसिकली स्कूल बस है काजोल, और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चरम पर है। लोगों ने इस नाले की, इस तालाब की शिकायत कई बार की है प्रशासनिक अधिकारियों से, उसके बावजूद भी ये तालाब का जो काम था वो नहीं किया गया। और आज जब बस पलटी, गनीमत ये रही है कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ग्रामीणों ने इस पूरे पूरे मामले पे वीडियो खुद वायरल किए हैं और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। पिनहाट के जो SDM साहब है, क्योंकि उनके नाम के पीछे साहब लगा हुआ है तो वो फोन भी उठाने की जहमत नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज एक जन सरोकार के बहुत बड़े कवि थे आदम गोंडवी साहब, उसकी दो लाइनें हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये दावा झूठा है किताबी है। बिल्कुल उसी तर्ज पे आगरा का प्रशासनिक अमला इस समय आंखें बंद करके बैठा हुआ है। देखिए, अगर बात की जाए आगरा की तो आगरा में कितने दिनों से बारिश नहीं हुई है अमित, ये बताइए पहले। बेसिकली बारिश का इसमें कोई इशू नहीं है। बारिश ना होने के बाद भी वो तालाब क्योंकि काफी ओवरफ्लो काफी दिन से सालों से शिकायत है और ग्रामीण कई बार कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल नहीं की गई, इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार दे चुके हैं, जिलाधिकारी कार्यालय में आके इस पर प्रदर्शन हो चुका है। पर तो आप प्रशासन की नींद टूटी है या अभी भी समस्या जस की तस है? समस्या जस की तस है, अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा है। पुलिस चूंकि पहुंची थी, पुलिस ने वहां पे राहत कार्य किया है, पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो बच्चों के लिए, वो ग्रामीण खुद ही बनकर आए, उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आगरा की तस्वीरें जहां पर तालाब का पानी सड़क पर आने से भीषण हादसा हो गया, बस पलट गई, स्कूल बस ही बताई जा रही है जिसमें मासूम छोटे छोटे बच्चे सवार थे। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से मासूम बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।